बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद दुआ जी। आज हम बनाएंगे मिसालेदार कलेजी, चटपटी और स्पाइसी। तो ये आप जब भी बनाएंगे आप इस डिश को कभी भूल ना पाएंगे, ठीक है। ये आपने ज़रूर, अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो फिर आप बार बार बनाएंगे, इतनी टेस्टी ये डिश बनती है। और बनाना तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल लिया और दो इसमें मैंने तेज़पात डाल दिए हैं और इनको फ्राई करेंगे हल्का सा। तो हमारा घी जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, दो तीन मैंने प्याज चॉप किए हुए हैं, ये मैं डाल दूँगी और इनको इस ऑयल में पकाएंगे। बस आपने इतना पकाना कि ये सॉफ्ट हो जाए, इतना बनाना पकाना। जैसे ये देखें दो तीन मिनट मैंने इसको कवर करके रखा तो हमारे प्याज जो हैं बिल्कुल ये देखें सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे मैं दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी और इसको भी हम थोड़ी देर पकाएंगे। तो जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट हमने पका लिया, इसके बाद मैंने तीन चार टमाटर चॉप किए हुए डाल दिए इसी मसाले में और इनको भी पकाएंगे जी। तो ये देखें टमाटर, जब इस तरीके से इस पॉइंट पर आपने इसमें कलेजी ऐड कर देनी है, जब टमाटर बिल्कुल गल जाएँ। तो यहाँ पे कलेजी ऐड हमने कर दी है। अब कलेजी को हम भूनेंगे टमाटर प्याज और थोम अदरक के साथ, सभी मसालों के साथ भूनेंगे। जैसे ही हमने भून लिया इसमें मैं सबसे पहले नमक ऐड करूँगी एक चम्मच, सूखा धनिया डालेंगे और हल्दी डालेंगे एक चम्मच और ज़ीरा पाउडर डालेंगे एक चम्मच और यहाँ पर मेरे पास रेड चिली पाउडर है ये ऐड कर देंगे एक चम्मच। और ये सभी स्पाइसेस हमने डाल दिए हैं। इसके साथ ही मैं कलेजी में ये सारे स्पाइसेस मिक्स कर दूंगी और यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन किया हुआ है, हाई फ्लेम पे ये भूनेंगे सारा मसाला। तो यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें थी दो तीन, ये भी मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। तो यहाँ पे देखें कलेजी को भूनना, यहाँ पे भूनने का बहुत काम है। यहाँ पे आप भूनेंगे इस टाइम दो तीन मिनट, आप इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और देखें जब ऑयल अलग हो जाए कलेजी से तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर कवर करके भी रखूँगी जी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर कवर करके रखूँगी, कवर करके हमने रखा तो कलेजी अच्छी तरह से ये गल गई है। तो यहाँ पे मेरे पास सूखी मेथी है तो कलर के लिए ये भी मैं ऐड कर दूँगी, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है तो कलेजी में बहुत अच्छी ये लगती है मेथी, अगर आप सूखी मेथी आप डालें तो। ये देखें यूनिक सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई करें इसको। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो भी शेयर किया करें दोस्तों में। थैंक यू।